गोल में चल रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन श्रीलंका गेंद बहुत आगे निकल गई है और ये मैच एकदम मिस मैच ज्यादा लग रहा है। श्रीलंका ने पुराने दिनों की याद दिला दी जब होम टीम्स 506 रन बनाती थी और अपोजिशन को बैटिंग करने देती थी, और ऐसा ही कुछ किया है श्रीलंका ने। 622 रन का बड़ा टोटल बनाया और फिर न्यूजीलैंड के 2 विकेट ओवरनाइट ले लिए हैं, और अब श्रीलंका मेरे ख्याल से बहुत बड़ी इनिंग्स विक्ट्री कर सकती है अनलेस एंड अंटिल न्यूजीलैंड की मिडिल ऑर्डर कल कुछ बड़े स्कोर्स बनाए, क्योंकि पिच में कोई डेमेंस नहीं है, ये सब उनके माइंड में है। जब बैटिंग शुरू हुई तो पहला विकेट पहले ओवर में ही गिर गया था और ऐसा लग रहा था कि शायद ये अगेन ये एक लो स्कोरिंग गेम है, लेकिन उसके बाद से हर श्रीलंकन बैट्समैन ने स्टार्ट किया। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली बात करनी जरूरी है कमेंडो मेंडिस के बारे में। कमेंडो मेंडिस ने कुछ बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं इस इनिंग्स के साथ, जिसमें उन्होंने 182 नॉट आउट बनाया। वो 200 भी कर सकते थे, लेकिन क्योंकि टीम टोटल 600 प्लस था तो अब श्रीलंकन मैनेजमेंट को थोड़ा टाइम चाहिए था न्यूजीलैंड के साथ, एंड फेयर इनफ उन्हें डबल सेंचुरी के लिए वेट नहीं कराया गया, क्योंकि कुशाल मेंडिस भी काफी टाइम ले लिया उन्होंने अपना 100 करने में, और उनका 100 होते ही टीम ने डिक्लेरेशन दे दिया। लेकिन कमेंडो मेंडिस ने इस दौरान डॉन ब्रैडमैन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली जब उन्होंने सिर्फ 13 इनिंग्स में 1000 रन पूरे कर लिए। आपको बता दूं कि यशस्वी जायसवाल करंट बैट्समैन थे जिन्होंने 16 इनिंग्स में 1000 रन पूरे किए थे इसी साल, जब इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 2 डबल सेंचुरीज बनाई थी। लेकिन कमेंडो मेंडिस ने उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया, और साथ ही साथ पहले 8 टेस्ट मैचेस में बैक टू बैक 50+ स्कोर एटलीस्ट बनाना हर इनिंग में किसी ना किसी एक इनिंग में इन 8 टेस्ट मैचेस इज अ ह्यूज रिकॉर्ड जो कमेंडो मेंडिस ने अचीव किया। और आपको बता दूं कि ये सारे रिकॉर्ड सिर्फ होम कंडीशन या सब कॉन्टिनेंट कंडीशन में नहीं है, बल्कि इसमें इंग्लैंड के भी 3 टेस्ट मैचेस इंक्लूडेड है। इसका मतलब फिलहाल कमेंडो मेंडिस को एक कंसिस्टेंसी जो दिख रही है उनमें, उनको नेक्स्ट बिग थिंग इन श्रीलंकन क्रिकेट माना जा रहा है। इनफैक्ट अब उन्हें श्रीलंका ही नहीं बाहर के लोग भी नेक्स्ट कुमारा संगकारा बताने लग गए हैं, विच इज अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट फॉर एनी बैट्समैन, स्पेशली फॉर श्रीलंका, क्योंकि कुमारा संगकारा डेफिनेटली उनके आइडल है। इनफैक्ट कुमार संगकारा एक ऐसे बैट्समैन है जो किसी भी वर्ल्ड 11 में फीचर कर सकते हैं बड़े आराम से। और कमेंडो मेंडिस ने फिलहाल ये शो किया है कि वो किसी भी कंडीशन में बैटिंग कर सकते हैं, और धीरे धीरे उनके बैटिंग पोजीशन जो काफी टाइम तक नंबर 7, इनफैक्ट इंग्लैंड टूर तक भी नंबर 7 पे थी, अब वो धीरे धीरे ऊपर आ गई है, और मेरे ख्याल से ही डिजर्व्स टू बैट एट नंबर 4 इन दिस टीम, क्यों जो पोजीशन फिलहाल एंजेलो मैथ्यूज ने लिया हुआ है। कुछ बैट्समैन रुइन कर रहे होंगे कि इस पिच पे उन्होंने अपनी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, स्पेशली एंजेलो मैथ्यूज जो 88 पे आउट हो गए। चंदीमल ने अपनी सेंचुरी पूरी की, अगेन धनंजय डिसिल्वा ने एक अच्छा स्टार्ट लिया लेकिन वो भी 40 ओवर पे आउट हो गए, मगर उसके बाद कुशाल मेंडिस आए और कुशाल मेंडिस ने भी फाइनली एक सेंचुरी बनाई और प्रूव किया कि वो इस टीम में रहना फिलहाल डिजर्व करते हैं। आपको बता दूं कि कुशाल मेंडिस भी वही बैट्समैन थे जिन्हें कुछ दिन पहले नेक्स्ट बिग थिंग इन श्रीलंकन क्रिकेट माना जाता था, और वो नंबर 3 या 4 पे बैटिंग करते थे काफी टाइम तक श्रीलंका के लिए। लेकिन फाइनली जब उनकी फॉर्म बहुत खराब होने लग गई, काफी इनकंसिस्टेंट रहने लग गई और उनका कैरियर एवरेज भी 35 के नीचे चला गया, तो फिर ऐसा लगने लगा कि शायद कुशाल मेंडिस डजंट डिजर्व टू बी अ पार्ट ऑफ दिस टीम, और शायद किसी नए टैलेंट को ट्राई करना चाहिए। लेकिन फाइनली उन्हें नंबर 7 पे, आप इमेजिन करो एक नंबर 3 बैट्समैन को नंबर 7 पे पुश किया गया टू प्ले प्राइमरली एज अ विकेट कीपर हु कैन बैट, और यहाँ जाके कुशाल मेंडिस ने सीरीज में अच्छी बैटिंग की है, तो शायद इसी पोजीशन पर उन्हें बैटिंग करने को मिलेगी। लेकिन एंजेलो मैथ्यूज, डिमुथ करुणा रत्ने और चांदीमल अब अपने करियर के लास्ट स्टेजेस में हैं, तो मेरे ख्याल से इनके रिटायरमेंट के बाद ये बॉटिंग पोजीशन थोड़ी चेंज होगी। कमेंडो मेंडिस डेफिनेटली नंबर 4 पे आएंगे और शायद कुशाल मेंडिस भी अपने आप को नंबर 5 या 6 पे पाए, मगर फिलहाल श्रीलंका की बैटिंग लाइनअप काफी अच्छी दिख रही है और ये श्रीलंका की टीम अब फाइनली धीरे धीरे ऊपर आती दिख रही है, क्योंकि प्रभात जयसूर्या भी टेस्ट क्रिकेट में काफी अच्छे और सक्सेसफुल बॉलर बन के निकल के आए हैं, और श्रीलंका के फास्ट बॉलर्स ने क्या अचीव किया था ये हम इंग्लैंड टूर पे देख चुके हैं। एनीवेज, न्यूजीलैंड थोड़ी देर बैटिंग करने आई और न्यूजीलैंड ने 2 विकेट गवा दिए। दोनों ओपनर डेवोन कॉनवे के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि वो इंग्लैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप ओडीआई वर्ल्ड कप के पहले मैच में सेंचुरी बनाने के बाद से बहुत ही हॉरिबल फॉर्म से गुजर रहे हैं, और अब न्यूजीलैंड को सीरियसली कंसिडर करना होगा कि जब इंग्लैंड न्यूजीलैंड आ रही है अभी 3 टेस्ट मैचेस खेलने, तो क्या उसमें डेवोन कॉनवे को खेलना है, या उसके पहले भी जब न्यूजीलैंड इंडिया आ रही है 3 टेस्ट मैचेस खेलने तो क्या डेवोन कॉनवे स्क्वाड में होने चाहिए, क्योंकि डेवोन कॉनवे का स्टार्ट तो डबल सेंचुरी से हुई थी लेकिन अब उनका करियर एवरेज भी 35-36 के आसपास पहुंच चुका है, जिस
पुअर और इनकंसिस्टेंट फॉर्म से वो गुजर रहे हैं। और टॉम लेथम ने भी बहुत रैश शॉट खेला और अपनी विकेट गंवा दी। अब ये मैच या तो श्रीलंका बड़े आराम से जीतेगी, या हो सकता है कि कल हमें कुछ केन विलियमसन स्पेशल देखने को मिल जाए। ये तो पता चलेगा गॉल में सेकेंड डे। बट इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि गॉल में जहाँ पहले टेस्ट मैचेस में स्पिन को इतनी हेल्प थी, दूसरे टेस्ट मैच में ये इतने ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन है, या फिर न्यूजीलैंड ने बॉलिंग ही हॉरिबल की। आपको बता दूं कि न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे सक्सेसफुल स्पिनर ना तो एजाज पटेल रहे और ना ही वर्ल्ड के सबसे इंटेलिजेंट क्रिकेटर मिच सैंटनर। याद है ना, सबसे सक्सेसफुल स्पिनर रहे डैरल मिचेल, और डैरल मिचेल भी एक अपकमिंग टैलेंट है न्यूजीलैंड के लिए। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग हिम बैट इन दिस कंडीशंस। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।